खरगोन जिले के शासकीय प्राथमिक विद्यालय नगांव में बच्चों को जैविक खेती तथा जैविक खाद की जानकारी दी गई। आजकल खेतों में रासायनिक खादों व दवाइयों का छिड़काव किया जाता है, जिससे पौधों को भी नुकसान हो रहा है तथा उनसे प्राप्त फल फूल जिन्हें खाने से हमें भी कई प्रकार के नुकसान व बीमारियाँ हो रही है। हमें इस प्रकार की रासायनिक खादों का उपयोग कम से कम करना चाहिए। विद्यालय में बच्चों को जैविक खाद के प्रति बढ़ावा देने के लिए जैविक खाद कैसे बनाई जाती है इसकी जानकारी दी गई तथा बच्चों के माध्यम से विद्यालय परिसर में जैविक खाद बनाने की विधि बच्चों को सिखाई गई। विद्यालय में उपस्थित शिक्षक विकास शर्मा तथा शिक्षिका शमा निगम के सहयोग से बच्चों के द्वारा विद्यालय परिसर में एक गड्ढा खुदवाया गया। उस गड्ढे में सबसे पहले पुराने पेपरों को बिछाया गया तथा घर में प्राप्त सब्जियों के छिलके तथा फलों के छिलके तथा हरी पत्तियों को गड्ढों में डाला गया, जिसके बाद उन सब्जियों के छिलकों के ऊपर पुरानी सूखी हुई पत्तियों को डाला गया। अच्छे से सूखी पत्तियों को बिछा देने के बाद उसके ऊपर मिट्टी से गड्ढे को वापस बंद कर दिया गया तथा नियमित रूप से उस गड्ढे के ऊपर थोड़ा थोड़ा पानी डाला गया, जिसे हमें विद्यालय में जैविक खाद 60 दिन में प्राप्त हो जाती है। जैविक खाद बनाने के साथ साथ बच्चों को वृक्षारोपण की भी जानकारी दी गई तथा कुछ पौधे भी रोपित किए गए। विद्यालय में इस प्रकार की गतिविधियां करवाने के लिए उद्देश्य यह है कि बच्चों को जैविक खाद के प्रति जागरूक किया जाए और अपने परिवार के आसपास के लोगों को भी जैविक खाद का उपयोग करने के लिए जागरूक किया जाए। एक नया नवाचार, पेड़ पौधों के लिए खाद कैसे बनाएं। हम देखते हैं आजकल केमिकल वाली खाद रहती है जो मिट्टी की गुणवत्ता को तो नष्ट करती है, साथ साथ जो पौधों से फल फूल पैदा होते हैं वो भी मनुष्य के स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होते हैं। तो हम बच्चों को जैविक खाद बनाना सिखा रहे हैं। इस जैविक खाद को हम स्कूल में ही एक गड्ढा करके घर में वेस्टेज जो फल फूल सब्जियों के छिलके रहते हैं उन्हें उस गड्ढे में डालकर, कुछ सूखी पत्तियां डालकर उस गड्ढे में नियमित रूप से पानी देकर 2 महीनों में हम खाद तैयार कर रहे हैं। इस खाद जैविक खाद का उपयोग जब हम हमारे गार्डन में, विद्यालय के परिसर में तथा घर पर भी जो पेड़ पौधे रहते हैं या सब्जियां लगाई हुई रहती है, अगर हम उस खाद जैविक खाद का उपयोग करेंगे वो हमारे पेड़ पौधों के लिए भी फायदेमंद है और उससे पाए जाने वाले फल फूल भी हमारे स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होता है और इससे हमें किसी भी प्रकार की कोई हानि नहीं होती है। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग ये जैविक खाद का उपयोग करें, इसलिए हम विद्यालय में ये एक नवाचार है जो हम विद्यालय में कर रहे हैं, जिससे बच्चों को भी जानकारी दे सकें कि जैविक खाद का उपयोग अत्यधिक रूप से करें तथा वे बच्चे भी घर जाकर अपने अभिभावकों को जागरूक कर सके जैविक खाद के प्रति। कसरावत से अबरार पठान की रिपोर्ट।